नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। रामनगर में रविवार की देर रात एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसलने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो युवक घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक भलौन पाटकोट निवासी 21 साल के सोहन पाठक अपने दो अन्य साथियों के साथ रविवार की रात गांव सावलदे स्थित अपने कमरे से होटल में बाइक से खाना खाने के लिए जा रहे थे, तो वहीं रास्ते में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसलने से बाइक पर सवार तीनों लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। परिजनों ने बताया कि सोहन का उपचार होने के बाद चिकित्सकों ने उसके स्वस्थ होने की बात कहकर उसे घर को जाने को कहा था। घर जाने के बाद सोहन की हालत अचानक खराब हो गई और उसे परिजन दोबारा से उपचार के लिए अस्पताल ले आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें, परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने सोहन के उपचार में लापरवाही की, जिस कारण उसकी मौत हो गई। साथ ही उन्होंने इस मामले में दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं पुलिस ने भी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराते हुए शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं SDM राहुल शाह ने बताया कि यदि इस मामले में चिकित्सकों की लापरवाही सामने आई तो जांच कराई जाएगी। अब पूरे प्रकरण में विभिन्न माध्यम से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अब पूरे मामले की जांच के लिए उप जिला चिकित्सालय रामनगर के CMS को निर्देशित किया जा रहा है कि जो भी तथ्य हैं उस पर जांच कर ली जाए, यदि किसी लापरवाही से लापरवाही। कल रात मेरे भतीजे का, जो टस्कर ट्रेल सावलदे में जॉब करता था, उसका एक अचानक थोड़ा सा उसे चोट लगी कहीं पे, उसको हॉस्पिटल लाया गया रामनगर सरकारी हॉस्पिटल में। उसके बाद वो तीन लोग थे, दोनों को थोड़ा चोट आई है, खुली चोट, इसको गंभीर चोट, थोड़ा गुम चोट सी लगी जो हमें लगा है बाद में। हमने हॉस्पिटलाइज किया उसको, आधे घंटे डॉक्टरों ने अपने साथ रखा। यहाँ पे जिम्मेवार पर्सन कोई नहीं था हॉस्पिटल के अंदर, सारा वो स्टाफ था जिनके टेबलों पर मोमो की चटनी, प्लेटें और वो सब पड़ी हुई थी, वो सारे लोग खा रहे थे वहाँ पे। और जब हमारा बंदा वहाँ पे आता है, उन्होंने उनका जो भी ट्रीटमेंट किया है, जो भी मेडिसिन उन्होंने दिए, जो इंजेक्शन दिया है, उसके आधे घंटे बाद उन्होंने बोला कि इसे डिस्चार्ज कर दो, ये नॉर्मल है। सामने वाले दो लड़कों को टांके आए हैं, उनको इतना तो उनका कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि जब सामने वाले को इतना मतलब गंभीर चोट आई है, जो बंदा चला रहा है उसको उन्होंने नॉर्मली आधे घंटे में डिस्चार्ज दे दिया। जब हम उनसे वापस घर लेके गए हैं, ठीक 1 या 1.5 बजे उसके पेट में फिर से दर्द हुआ। जब यहाँ पर लेके आए तो इन्होंने बोला कि इस पर अब कुछ नहीं है, इसकी डेथ हो चुकी है। तो हमारे को, मैं प्रशासन से भी गुहार करना चाहता हूँ पोस्टमार्टम के लिए, भतीजे के अभी हमारा शव गया हुआ है, निष्पक्ष जांच करें, जो भी रिपोर्ट आए बिल्कुल क्लियर कट करें। और मैं अभी रामनगर के जितने भी नेतागण हैं ना, इन सभी से निवेदन यही करना चाहूँगा, आपका जो ध्यान है ना वो है कहीं दूसरी जगह पर, आप ऐसी व्यवस्थाओं को सुधारो। आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी है, या आप अपने किसी बच्चे का, किसी बड़े बुजुर्ग का, आपके परिवार में जिनको दिक्कतें होती है ना, यहाँ इलाज करा के देखो। या 3 से 4 बंदे मिलते हैं रात को, उनको अपने आपस में उनकी फैमिली डिस्कशन, इतनी हेल्दी डिस्कशन होती है कि पता ही नहीं लगता कि मरीज का हमने ट्रीटमेंट क्या करना है और कहाँ पे करना है। आपका आरोप है कि जो इलाज किया है उसमें, हमारा आरोप है जो इलाज किया है वो सही इलाज नहीं मिला है उसको, इंजेक्शन मिला है, जो भी दवाइयाँ उन्होंने थी बिल्कुल सही नहीं मिला है, साथ में नहीं इनके बस की थी, एटलीस्ट रेफर के लिए बोलते ना हमारे को कि भैया आप इसे कहीं हायर सेंटर में लेके जाओ, हम लेके जाते, बट वो भी इन्होंने नहीं बोला। उन्होंने बोला ये नॉर्मल है और अभी आप घर लेके जाओ, ऐसा इनके स्टाफ ने हमारे को बोला है। मैं आज डॉक्टरों पर भी ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, पूरी टीम यहाँ पे, रामनगर के ना जितने भी नेतागण हैं, मैं सभी से फिर से निवेदन करता हूँ, बस आप इस तरफ का देखो, है ना, एजुकेशन, ये कॉर्बेट प्रशासन और सारे वहीं घुसे पड़े हो, ये अपना ये समुदाय यहाँ का देखो कि स्वास्थ्य विभाग में कितनी गड़बड़ें चल रही हैं। ये हमारी सरासर कंप्लेंट है कि रामनगर सरकारी अस्पताल में कोई इलाज नहीं है। यहाँ पे तो तुम अच्छे वाले आदमी को भी लाओगे ना, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिगाड़ के ही जाए। रामनगर में रविवार की देर रात एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद जहाँक और मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं मृतक के परिजनों ने रामनगर के सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों व स्टाफ पर लापरवाही के कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनका जो सोहन पाठक नाम का युवक था 21 साल का, जो भलौन पाटकोट का रहने वाला था और सावलदे में एक रिजॉर्ट में नौकरी करता था, इसी बीच उसके वो बताया जा रहा है कि कल रात अपने दो अन्य साथियों के साथ अपने रूम से होटल खाना खाने जा रहा था, इसी बीच उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिसमें तीनों लोग घायल हो गए। घायल होने के बाद परिजनों का आरोप है कि जो सोहन पाठक था उसको चिकित्सकों द्वारा कहा गया कि ठीक है और इसको घर ले जाओ, लेकिन अचानक उसकी घर पे तबीयत खराब हुई और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में तैनात चिकित्सकों द्वारा उपचार में लापरवाही की गई है और उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी इस मामले में संज्ञान लेने की बात कही है। तो वहीं मामले में SDM राहुल शाह ने बताया कि यदि इस मामले में लापरवाही की गई है तो CMS को जाँच के आदेश दिए जाएंगे और लापरवाही का अगर मामला कोई सामने आता है तो नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन न्यूज़। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।